त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? त्रिदेवों में श्री विष्णु जी की श्रेष्ठता पद्म पुराण का उपसंहार। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है कि परम उत्तम और दीर्घ काल तक चलने वाले मंदरांचल पर्वत पर चलने वाले यज्ञ में स्वयं भू मनु कई अन्य ऋषियों के साथ भाग लेने के लिए जाते। वहां वेदों के तत्व जानने वाले कई ऋषि और मुनि होते। महायज्ञ जब आरंभ हुआ तो पाप रहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन देवता त्रिदेव सबसे श्रेष्ठ है, इसे सबसे पहले भोग लगाना चाहिए, कौन अविनाशी परम पूज्य है। वहां बैठे ज्ञानी जन भी अपने अपने तर्क देने लगे। कोई श्री सूर्य भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई ब्रह्मा जी को, कोई शिव जी को श्रेष्ठ बताते हैं, तो अन्य ब्राह्मण जन श्री विष्णु भगवान को संपूर्ण जगत का स्वामी बताने लगे। राजा मनु भी श्री विष्णु को पुरुषोत्तम कहने लगे तो सभी ऋषियों ने वहां उपस्थित ऋषि भृगु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस रहस्य का पता करें कि इन तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तपोनिधि भृगु ऋषि इस प्रकार सभी ऋषियों की इच्छा जानकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहां महाभयंकर नंदी हाथ में त्रिशूल लिए अपने गणों के साथ खड़े हैं और उन्हें द्वार पर भगवान शिव गणों द्वारा रोक लिया जाता है। ऋषि भृगु कहते हैं, हे शिव के प्रिय गणों, कृपा करके भगवान शिव जी को सूचित करें कि ऋषि भृगु अभी उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन शिवगण उनकी एक नहीं सुनते, बताते हैं कि शिव जी अभी देवी के साथ क्रीड़ा भवन में विहार कर रहे हैं, वो अभी किसी से भी नहीं मिल सकते। लेकिन ऋषि भृगु अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो शिवगण उन्हें उल्टा सीधा कह देते हैं। तब भृगु कुपित होकर कहते हैं कि ये रुद्र और तमोगुण से प्रेरित होकर अपने द्वार पर आए मुझे ब्राह्मण को नहीं जानते, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न जल दूध सब कुछ अभक्ष यानी नाक खाने योग्य हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि भृगु श्राप देकर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। यहाँ से ऋषि भृगु ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराज रहे थे, सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी वहाँ हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में आए अतिथि को देखा तक नहीं। भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य यानी कि जिसकी पूजा ही नहीं होगी होने का श्राप दिया। कैलाश और ब्रह्म लोक में मिले अपमान तिरस्कार से शुभित महर्षि विष्णु लोक चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका पर अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विहार कर रहे थे। श्री लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु को लगा कि हमें आता देख विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने श्री विष्णु को जगाने के लिए अपने बाएं पैर का आघात श्री विष्णु की छाती पर कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णुप्रिया लक्ष्मी जो श्री हरि के चरण दबा रही थी कुपित हो गई। लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि के चरण सहलाने लगे और कहा, भगवान मेरे कठोर वृक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और नारायण का सदाचार और धर्म देखकर प्रसन्न। तभी श्री लक्ष्मी जी ने भी चंदन और फूल माला से भृगु ऋषि का स्वागत किया। यह देखकर ऋषि भृगु की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि सत्व गुण इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ गुण है जो प्रभु आपने समाहित। आप ही ब्राह्मणों के सबसे पूजनीय है। देव की नंदन कृष्ण ब्राह्मणों के हितेशी थे, श्री राम भी ब्राह्मणों के हितेशी थे, आप ही पालनहार। उन्होंने श्री हरि विष्णु को त्रिदेव में श्रेष्ठ सत्व गुण सतोगुणी घोषित कर दिया।